नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज। मैं विजय कुमार खौसे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। नागपुर जिला पेंटर संघ ने बुधवार को शब्बानी क्लब गांधी बाग में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का खास आयोजन किया, जिसमें नागपुर जिला पेंटर संघ की स्थापना कर कार्यकारिणी की घोषणा की। दीपावली स्नेह मिलन में सीनियर सिटीजन आर्टिस्ट पेंटरों को सम्मानित किया गया। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी की रही खास उपस्थिति। तिवारी ने अपने भाषण में कहा कि विज्ञापन से मनपा को आय मिले, वो पेंटरों को रोजगार। मान्यवरों ने भी इस मौके पर मार्गदर्शन किया। इस मौके पर जिले के सैकड़ों आर्टिस्ट पेंटर उपस्थित थे। आइए सुनते हैं आगे की रिपोर्ट। नागपुर जिला पेंटर संघ की स्थापना कार्यकारिणी गठित। दीपावली स्नेह सम्मेलन में बुजुर्ग पेंटरों को किया सम्मानित। विज्ञापन से मणिपा को आय मिले व पेंटरों को रोजगार मिलेगा, महापौर दयाशंकर तिवारी। महाराष्ट्र पेंटर संगठना के तहत नागपुर जिला पेंटर संघ ने बुधवार शब्बानी क्लब गांधीबाग में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में पेंटर दिगंबर बागड़े उपस्थित थे। इस मौके पर नागपुर जिला पेंटर संघ की स्थापना की। इस अवसर पर पेंटर व्यवसाय में अपना जीवन समर्पण करने वाले सीनियर सिटीजन पेंटर रामचंद्र सुरतीकर, नागुराव आकरे, देवानंद मेसराम, मधुकर बांगड़े, वामनराव बोड़के, अशोक कवाड़े, दिगंबर बागड़े का शाल सिर पर देकर सम्मान किया। उपस्थित मान्यवरों ने पेंटरों को मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में नागपुर जिला पेंटर संघ की स्थापना कर कार्यकारिणी की घोषणा दिगंबर बागड़े ने की, जिसमें अध्यक्ष राजेश मरसकोल्ले, उपाध्यक्ष संतोष सहारे, सैयद ऐपाजली, सचिव नारायण महंत, सह सचिव प्रदीप भगत, कोषाध्यक्ष राजेश सहारे, सदस्य नारायण बांगड़े, श्यामदेव बारापात्रे, कृष्णा सहारे, सुनील मानेकर, दिनेश ढोले, सागर कुलमेथे, रवि काड़े, अजय गजरे, सलाहकार चंद्रप्रकाश नायडू, रामेश्वर सतीबावणे, मनोज सरोदे, अरविंद चौधरी, संजय सोनकुसरे, विनोद कोवे का समावेश है। नागपुर जिला पेंटर संघ स्नेह मिलन समारोह में महाराष्ट्र पेंटर संघ के श्याम मेसराम, अमर तांबे, रवि सायमन प्रमुखता से उपस्थित थे। इस मौके पर अपने मार्गदर्शन में महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि शहर में दीवारों पर विज्ञापन किया जाता है, लेकिन उससे मनपा को कोई आय नहीं मिलती। पेंटर संघ ने अपने संस्था के माध्यम से शहर में जितने भी वॉल पेंटिंग के ठिकान है उसे निश्चित करे वह साल का मनपा को टैक्स अदा करे। मनपा को टैक्स मिलेगा और पेंटरों को रोजगार मिलेगा। अपने भाषण में आगे कहा कि शहर में 20 रुपये स्क्वायर फीट से ज़्यादा के साइन बोर्ड पर टैक्स लगाया गया था, जिसके माध्यम से करोड़ों का टैक्स मनपा को मिला है। मैं मनपा के हित की बात करूँगा। अभी आचार संहिता है, 15 दिन के बाद इस विषय पर चर्चा करने पेंटर का शिष्टमंडल लेकर आओ, विस्तृत चर्चा कर समस्या को हल करने का प्रयास करने का आश्वासन महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिया। कार्यक्रम के सफलता के लिए ऐफाजली, संतोष सहारे, नारायण बांगड़े, संजय सोनकुसरे, राजेश सहारे ने अथक प्रयास किया। प्रास्ताविक दिगंबर बागड़े ने किया, संचालन नारायण महंत ने किया, आभार अध्यक्ष राजेश मरसकोल्ले ने माना। WH ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। उसमें टी चंद्रशेखर करके यहाँ पे नागपुर में कमिश्नर आया था और उसने जो हमला किया हमारे लाइन के ऊपर में कि उसने पूरे होर्डिंग उखाड़ के फेंक दिए। उसका कहना था कि मैं होर्डिंग आपकी सुरक्षा के लिए ला रहा हूं। उसकी बात सही थी। उस समय का समय ऐसा था कि पेंटर जाता था, बंदर के जैसा चढ़ता था, ऊपर खिले ठोकता था, नीचे से चेली बांधता था, चेली भी वही बांधेगा, काम भी वही करेगा, पेड़ भी वही मारेगा और नाम उसका आर्टिस्ट। तो उसका कहना था कि आप इतनी भेद सुरक्षा में असुरक्षा में काम करते हो तो मैं दया होर्डिंग लगाऊंगा और आपको सुरक्षित काम करने का मैं मौका दूंगा। उस बंदे ने अपना शब्द निभाया,
उसने जो बोला वो किया, लेकिन उसके बाद फिर हम पे दूसरा हुआ एक डिजिटलाइजेशन का, और डिजिटलाइजेशन की क्रांति ने पूरा धंधा नेस्त नाबूद कर दिया। जब धंधा ही नहीं तो संगठन कहां से रहेगी। कई लोगों का आरोप होगा हम पे कि हमने संगठन के लिए काम नहीं किया, हमने जी जान से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। हमारे लोग महापौर तिवारी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आले, त्याबद्दल त्यांचे पेंटर संघाच्या तर्फे आणि माझ्या WBS न्यूजच्या तर्फे त्यांचं मी स्वागत करतो। मी या ठिकाणी पेंटरचं नेतृत्व आज करतो, नक्की पत्रकारितेचं। महापौर साहेबांना मी एवढी विनंती करील की आमच्या पेंटर बांधवांच्या अनेक समस्या आहेत, त्या समस्यावर नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने आपल्या माध्यमातून जर काही समस्या सोडवता जर आल्या तर निश्चित रूपाने या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा। आणि का आपला एक विजन ठेवा की आपल्याला आयुष्यभर हेच काम करत राहणार काय, आपले मुलं हेच काम करत राहणार काय। बदलत्या काळामध्ये आपण बदललं पाहिजे, आणि जो माणूस बदलत नाही त्या माणसाचा विकास होणार नाही। बस एवढंच बोलून मी माझे दोन सदस्य समजतो। संघ के माध्यम से आज आयोजित इस समारोह में मंच पर उपस्थित संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष मरशकोली जी, मंच पर उपस्थित संस्था के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ मेरे समक्ष उपस्थित सभी भाइयों, दीपावली के पश्चात दिवाली मिलन निमित्त आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपकी जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उस नई कार्यकारिणी को भी अच्छे कार्यकाल के लिए मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। एक विशेष सेक्टर में काम करने के बाद सबके साथ एक मन का वातावरण बन जाता है, परिवार का वातावरण बन जाता है, और उसी पारिवारिक वातावरण से एक संगठन जन्म लेती है, जिस प्रकार से आप सभी लोग आज एक परिवार के रूप में एकत्रित हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक युग ने क्रांति करी और क्रांति करने के बाद में एक मशीन जिससे फ्लैक्स का पेंटर, उस बैनर के बनने के बाद जिस बड़े प्रमाण में आपके रोजगार पर, आपके व्यवसाय पर एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, उसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। लेकिन इसका मतलब हम लोगों ने उसे पराजय मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने मेरे समक्ष नागपुर महानगर पालिका से जुड़ी हुई एक बात रखी, और वो बात यही है कि भाई वॉल पेंटिंग के माध्यम से जो एडवर्टीजमेंट की प्रिंटिंग करके आप लोग रोजगार उत्पन्न करते हो, उसमें महानगर पालिका ने कुछ दिशा निर्देशित। मैं एक बहुत संक्षिप्त में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि गांधीबाग बगीचे का मेंटेनेंस एक संस्था करती है, उस संस्था को पूरे बगीचे का एडवर्टीजमेंट राइट दिया गया है। आप में से कभी किसी पेंटर ने गांधीबाग बगीचे की दीवार पेंटिंग करते समय उससे अनुमति ली है क्या? आपको जानकारी है आपके पेंटिंग करने के बाद नोटिस उसको मिलता है, इसके पैसे भरो, उसके बारे में कभी सोचा है क्या आपने? और आप ये जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, इस एडवर्टीजमेंट करने के बाद लगने वाला जो टैक्स होता है ये आपको भरना पड़ता है या कंपनी को भरना पड़ता है? कुल मिलाकर के हम अगर किसी बाजार में काम कर रहे हैं तो उसमें स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए, इसलिए हम जो भी रेट कोट करते हैं उस रेट में हमने उस कंपनी से उस एडवर्टीजमेंट के टैक्स को भी मांगना चाहिए, इसी प्रकार का हमारा प्रस्ताव होना चाहिए। अगर हम लोग वो प्रस्ताव नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, और हम लोग प्रस्ताव बनाते हैं और वो पैसा महानगर पालिका को नहीं मिलता है, ये भी महानगर पालिका की गलती है। मैं पिछले 25 वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक हूं। ये विषय आज तक आपके किसी संगठन ने महानगर पालिका के सामने नहीं रखा कि एक होर्डिंग की कीमत अगर साल भर के टैक्स के रूप में होती है तो एक दीवार की कीमत 10 दिन के रूप में क्यों? इसका मूल कारण है, मूल कारण यह है कि जिस दिन आप 10 दिन की कीमत भरते हो उस दिन उससे जुड़ा हुआ एक भाग और होता है कि 11वें दिन उस दीवार को पेंट कर देना आपकी जिम्मेदारी है।
ऐसे कितने लोग हैं जो एक बार एडवर्टाइजमेंट पेंट करने के बाद में दोबारा उसको साफ कर देते हैं? एक भी नहीं है। है कोई ऐसा? और वो जो कंपनी वाला है, जिस कंपनी वाले ने आपसे एडवर्टाइजमेंट करा लिया 10 दिन के लिए और आपने महानगर पालिका को भर दिया 10 दिन के लिए, तो वर्षों तक उसकी वॉल पेंटिंग एज इट इज दिखाई देती है। अब आप मुझे कल्पना कीजिए कि अगर यंत्रणा बनानी है तो ऐसी बनानी चाहिए जिसमें आपका भी हित हो, महानगर पालिका भी हित हो, और वो व्यापारी जो अपने प्रोडक्ट को बाजार में प्रस्थापित करना चाह रहा है वो अपना प्रोडक्ट भी भेज सके और नियम के अनुरूप उसकी भी एडवर्टाइजमेंट हो सके। इस प्रकार का नियोजन होना चाहिए। आपकी एक समिति बनाइए, उस समिति के माध्यम से महानगर पालिका को मिलने वाली राशि का भी नुकसान ना हो। आपकी डिमांड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमसे एक साल का टैक्स लिया जाए करके, कारण आपके पास एक क्लाइंट एक साल के लिए नहीं होता। एक नई चीज बाजार में लॉन्च हुई, उसने एक महीने एडवर्टाइजमेंट का कंपेन चलाया, एक महीने बाद आपके पास दूसरी कंपनी आ जाती है। इसलिए शहर के चुनिंदा दीवालों के आप नाम तय करें और चुनिंदा दीवालों के नाम और यादी तय करके उसके स्क्वायर फिट के हिसाब से आप महानगर पालिका को एक प्रस्ताव दें और वो प्रस्ताव इस प्रकार से दे कि अगर वर्ष भर के लिए आप हमें इन दीवालों को आपकी एसोसिएशन को प्रदान करते हैं तो एसोसिएशन साल की इतनी राशि महानगर पालिका को देगी। मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूं, 2012 में मैं नागपुर महानगर पालिका का स्थायी समिति का अध्यक्ष बना। एक नियम है कि दुकान का जो बोर्ड होना चाहिए यह 20 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अब 20 स्क्वायर फीट में अगर दुकान का नाम लिखा है तो उसको एडवर्टाइजमेंट टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर वो 20 से बड़ा हो गया तो एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगता है। और 20 स्क्वायर फीट के बोर्ड में भी किसी प्रोडक्ट के नाम का उल्लेख है तो उसको भी एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगता है। यह कानून महानगर पालिका में पहले से था। मैंने उसका टेंडर निकाला और कहा कि भाई जितने बोर्ड 20 स्क्वायर फीट से ज्यादा है उनसे महानगर पालिका ने पैसे लेना चाहिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, जितने बैंक हैं, जितने कारपोरेट ऑफिस है, सबके बोर्ड बड़े बड़े हैं और ग्लोसाइन के बने हुए हैं। अब महानगर पालिका ने जब इनसे टैक्स वसूल करी तो थोड़ा बहुत नहीं, 4 करोड़ रुपए का टैक्स इससे वसूल हुआ। अब इससे महानगर पालिका को पैसा मिलता था क्या? नहीं मिलता था। उस कानून पर मेरा ध्यान गया और मैंने कोशिश की तो इस प्रकार से पैसा मिल गया। अब उदाहरण के लिए आपको महानगर पालिका में, आप सब यहां बैठे हैं, आप अपने जिगर पर ध्यान रख करके कहिए, आप में से ऐसा कोई एक व्यक्ति है क्या जो वॉल पेंटिंग करने के पहले अनुमति लेकर के वॉल पेंटिंग करता है? नाम लेने के लिए एक आधा अगर अपवाद के रूप में मिल गया तो मिल गया, अन्यथा दीवार देखिए हम पेंटिंग मार के आ जाते। इसका मतलब है कि महानगर पालिका को उससे पैसा नहीं मिलता। अगर आप दीवाले चिन्हित करेंगे और हमें साइज देंगे और हमको बता के देंगे कि इन दीवालों से हम इतना पैसा साल का देने का आपको अश्योरेंस देते हैं, तो महानगर पालिका उस प्रकार की पॉलिसी बना करके वह जगह आपके एसोसिएशन को प्रदान कर सकती है, जिसे रोटेशन में आप अपने पेंटर बंधुओं को अगर बांटे तो नियमित रूप से उनके रोजगार का सृजन हो सकता है। किसी भी काम को करने के लिए एक नियोजन आवश्यक होता है। महानगर पालिका को आज 1 रुपया नहीं मिल रहा, हो सकता है कि पहले 3 साल के लिए या 5 साल के लिए जब हम देंगे तो कम पैसे में आपका ऑफर आए, आने वाले समय में जब आपको अच्छी आवक होने लगेगी तो आप ज्यादा पैसे का ऑफर देंगे। तो जिस चीज से आज महानगर पालिका को 2 रुपया भी नहीं मिल रहा है, वर्तमान कानून के कारण अगर आप कोई अच्छा प्रस्ताव देंगे तो महानगर पालिका की आय भी बढ़ेगी और आपके मन में यह शाश्वती भी रहेगी कि आपके ऊपर 10% दंड का डंडा पड़ रहा है करके, तो आप स्वतंत्रता से अच्छा काम कर पाओगे। इसलिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव जरूर लेकर के आइए। हम महानगर पालिका के माध्यम से खुले मन से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे। अभी आचार संहिता का कार्यकाल है इसलिए आपके पास तो 15 दिन है, 15 दिन में आप एक बहुत अच्छा प्रस्ताव बना सकते हो। शहर के प्रमुख दीवाले जिनको आप चाहते हो वहां से अच्छा प्रस्ताव बना सकते हैं और वो प्रस्ताव बना करके जिस दीवाल से ट्रैफिक को अड़थड़ा ना हो, इस प्रकार का प्रस्ताव बनाकर आप लेकर के आए, हम सकारात्मक आपके लिए अच्छा विचार करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और महानगर पालिका से उसके लिए कानून भी बना देंगे, यह भी विश्वास दिला देता हूं। दूसरी बात, आपने
आपके लिए सरकारी योजनाओं की बात करें तो सरकार में एक असंगठित कामगारों की एक संगठना है और असंगठित कामगारों के लिए एक मंडल बना हुआ है। उस असंगठित कामगारों के मंडल के लिए मिलने वाली जितनी योजना है उन सारी योजनाओं के लिए आप पात्र हो सकते हैं। आपने और एक प्रयास करना चाहिए, बांधकाम मजदूरों के लिए एक अलग से मंडल बना हुआ है। अब बांधकाम मजदूरों के लिए बनने वाला मंडल, इससे पेंटिंग अलग हो सकती है क्या? यह भी उसी से जुड़ी हुई बात है, इसलिए आप उसमें समाविष्ट है कि नहीं एक बार आप देख लीजिए। अगर नहीं है तो आपका नाम उसमें समाविष्ट होना चाहिए, इस दिशा में आप काम कीजिए। उसमें समाविष्ट है सर? उसमें अगर आप समाविष्ट है तो उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, एक दो नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ने के लिए योजना है, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की योजना है, आप बीमार पड़ते हैं तो उसकी योजना है, बहुत सारी योजना है। ये सारी योजना जो है इसकी जानकारी एक कॉम्प्लीट के रूप में आपने अपने साथियों को दी और बांधकाम मजदूर के रूप में आपके सब लोग प्रयास करें। और इस काम में अगर किसी भी प्रकार की अड़चन आती है तो मैं महानगर पालिका में बहुत हद तक दोपहर के समय ज्यादा से ज्यादा समय बैठता हूँ, आप आइए, आपको जरूर उचित मार्गदर्शन करेंगे। और मैंने जो आपको बताया है ये केवल आपके हित के लिए नहीं बताया, ये महानगर पालिका के हित के लिए बताया है। मुझे लगता है कि आपके प्रस्ताव अच्छे आए ना तो महानगर पालिका को आय का कम से कम 2-3 करोड़ रुपए साल का देने का एक नया स्तोत्र आपके माध्यम से पैदा हो सकता है। इस दृष्टि से आप जरूर आए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और आपकी भी उसमें जीत हो, इस शहर की जनता को भी रेवेन्यू का नया सोर्स मिले, तो दोनों के लिए जीतने वाली बात होगी। मैं आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आपने दो विषय मुख्य रूप से मेरे समक्ष रखे, इन दोनों को मैंने आपके समक्ष निराकरण करने की कोशिश की। समस्या उसी को कहते हैं जिसका निराकरण ना हो, और निराकरण हो गया तो एक नई समस्या अपने आप पैदा होने लगती है करके। इसलिए आप सब लोगों ने एक अच्छा विषय चर्चा के लिए सामने लाया, इसलिए आपका साधुवाद भी देना चाहता हूँ। आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विश्रांति देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की खास खबर, फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दे। हाँ, हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बनकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।